हाय फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान जो है उसने टिकटॉक को वार्निंग दे दी है। और टिकटॉक आप सब जानते हैं कि एक वीडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में बहुत अच्छा चल रहा है, और ये बहुत बेहतरीन जो है एक टिकटॉक एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूँ कि PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उनको जो है वार्निंग दे चुकी है। और आपको साथ में साथ ये भी बताते चलें कि जो बीगो है उसको तो पाकिस्तान में ब्लॉक्ड किया जा चुका है। इसका जो है एक रीज़न ये भी है कि वो एडल्ट मटेरियल, और पाकिस्तान ने टिकटॉक को भी वार्निंग दे दी है कि अगर आपने इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं किया, जो कि आपको पता है कि टिकटॉक जो एक एप्लीकेशन है वो एक फैमिली एप्लीकेशन है, यानी कि फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। उसमें जो कंटेंट होते हैं उसमें जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अब उसमें ऐड की गई हैं। अब तो IT और इस वजह से भी लोग उसको वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको ये बताता चलूँ कि PTA जो है उसने बिगो को ब्लॉक करने के बाद जो है तो टिकटॉक को वार्निंग दे दी कि अगर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को सही से नहीं कर सकते हैं तो आप हमें बता दें, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको इन फ्यूचर पाकिस्तान में चलाने की इजाज़त नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड आपको ये न्यूज़ बहुत दुख भरी लगी होगी, लेकिन मुश्किल ये है फ्रेंड्स के ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे चाइल्ड्रन या जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या पाकिस्तान में टिकटॉक को बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाली और लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको देता रहूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके